जाते हैं। इधर एक सूर्य फातिहा की आवाज बुलंद तिलावत फरमाए उनसे जो भी गुनाह सरजद हो गए, हमसे जो भी गुनाह सरजद हुए हैं, इन मजालिस से आज़ा के तुफैल में परवरदिगार हम सब की मग़फ़रत फरमा, उनके आमाल सालिहा को, हमारी क़लील मायूब व नाक़िस इबादतों और आमाल को, इन तमाम मजालिस से आज़ा को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा, उनकी ख़बरों पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, तमाम बरज़ख के मरहलों को उनके लिए सहल आसान फरमा, उनकी अरवाह को जल्द अज़ जल्द वाजिब सलाम में मुंतकिल करके उन्हें सआदत नसीब फरमा, रोज़ हिसाब उनके और हमारे आमाल नामे हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा, और हम सब को अपनी जवार रहमत में, जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में, आला इल्लियीन में करार फरमा, वो बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअ व यक्शिफुस सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअ व यक्शिफुस सू, फातिमा सुग़रा का वास्ता, वक्त के इमाम को सेहत और सलामती अता फरमा, और उनके तुफैल से जो भी बीमार और मरीज़ हैं, खुसूसन इस कोविड की वबा में जितने जो मरीज़ हो चुके हैं, खुसूसन खुसूसन मोहतरमा किशवर ज़हरा साहिबा को और उनके भाई को जल्द अज़ जल्द शिफाए कामिला इनायत फरमा, हम सब को सेहत अता फरमा, ताकि ता ज़िंदगी हम आज़ादारी सैयद शहदा में और तेरी इबादत में सर्व कर सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लम। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم
المعصومين المظلومين الأغرار الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل بہترین وسیلہ ہے ہمارے لیے خداوند عالم کے نزدیک پس پروردگار تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ تیرے اسم اعظم کا واسطہ تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ بار الہٰ تجھے تیرے حبیب ان ایام عزہ کا اور فاطمہ کے روٹے ہوئے چمن کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا خصوصاً اپنے جد اور جداخ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام دے سکے اس غیبت کے دور میں پروردگار تمام ہم و غم و عالم کو وقت کے امام سے درگزر فرما اس غیبت کے دور میں ہم سب کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہدایت کی راہ پر گامزن فرما بار الہٰ ہم میں سے آج حج اور زیارتوں پر ہم نہیں جا سکتے پروردگار سارے راستے بند ہو چکے ہیں ہم یہاں اپنے وطن میں جو ہے
नज़र बंद हो चुके हैं परवरदिगार। इस वबा को जैसे ही अचानक से आई थी, उसी अचानक से अज़गैर परवरदिगार इस वबा को हमारे दरमियान से दफ़ा फरमा, ताकि हम दोबारा से सैयद शहदा की कब्र पर अपनी हाजिरी पेश कर सकें और आखिरत में इमाम हुसैन की शफाअत हमें नसीब हो सके। बरे लहा फर्जंद जहरा यूसुफ जहरा के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके चेहरे पुरनूर का पुरनूर की जियारत नसीब फरमा, हम सबको उनके जहूर का ज़माना देखना नसीब फरमा, हम सबको उनके मुंतजरीन में, उनकी तरमीज़ों में, उनके चाहने वालों में, हत्ता के उनके शियों में जगह अता फरमा। हमारे लहा हर एक मोमिन और मोमिना आज रिस्क की तंगी से परेशान है परवरदिगार, हर एक को हलाल वसी और तैयब रिस्क अता फरमा। हमारे लहा जो भी जवान अपने घरों में पल रहे हैं, वालिदैन जवानों को पाल रहे हैं, उन सब के ईमान की हिफाजत फरमा। हज़रत कासिम के सदक़े में परवरदिगार हर एक ईमान की हिफाजत फरमा, उन्हें जज्बे क़ुरबानी उन्हें नसीब फरमा, वक्त के ईमान पर अपने आप को क़ुरबान दे कर देने का जज्बा उन्हें अता फरमा, और हम सबको दुनिया में और आखिरत में नुमाया कामयाबी और कामरानी अदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदावंद आलम हमसे फरमाता है कि तुम सिरात मुस्तकीम पर आ जाओ, यही वो सीधा रास्ता है जो तुम्हें मेरे नज़दीक कर देगा, मेरा क़ुर्ब तुम्हें हासिल करा देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। खुदावंद आलम से जब हम एक मरतबा ये सवाल करते हैं कि ऐ परवरदिगार सिरात मुस्तकीम क्या है, क्योंकि हर एक जो है कहता है कि हम सिरात मुस्तकीम पर हैं, मुसलमानों के 73 फ़िरक़े हैं, हर एक कहता है कि हम सिरात मुस्तकीम पर, हम सीधे रास्ते पर, लेकिन मुसलमानों के अलावा जितने मज़हब के मानने वाले हैं सब कहते हैं कि हम सिरात मुस्तकीम पर, हिंदू है तो कहता है हम सिरात मुस्तकीम पर, ईसाई है तो कहता है, यहूदी है तो कहता है हम सिरात मुस्तकीम पर। ऐ परवरदिगार आखिर सिरात मुस्तकीम को तलाश करने जाएँ तो कहाँ जाए, कहाँ पर मिलेगा ये सिरात मुस्तकीम जिसकी तरफ तू हमारी हिदायत फरमाना चाह रहा है? तो खुदावंद आलम का जवाब आएगा कि तुम सूरह अलहम्द को देख लो। सूरह अलहम्द में हम खुदावंद आलम से दुआ कर रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इसका तर्जुमा क्या है? इसका असल तर्जुमा है हमारी सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमाइए, इसका असल तर्जुमा है। लेकिन हमारे शियों की अगर आप तर्जुमे देखेंगे कुरान में तो इसमें तर्जुमा क्या दिया होता है? सिरात मुस्तकीम पर हमें बाकी रख, सिरात मुस्तकीम पर हमें बाकी रख, जबकि असल तर्जुमा है की तरफ, इला यानी की तरफ होता है, की तरफ हमारी हिदायत फरमा। लेकिन शियों ने इस तरह का तर्जुमा क्यों किया? क्योंकि खुदावंद आलम ने जब अपने हबीब को ये नमाज अता फरमाई तो उसमें सूरह अलहम्द का, सूरह अलहम्द की क़िरात वाजिब है। जब सूरह अलहम्द की क़िरात को इख्तिताम तक पहुंच जाए, वलद्दालीन पर पहुंच जाए, जब हम जमात में होते हैं या फर्दन भी पढ़ रहे होते हैं तो हमसे क्या कहा गया, क्या मुस्तहब है वलद्दालीन कहने के बाद? तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ हम इस बात का इकरार करें, ऐ परवरदिगार हमने तुझसे दुआ की सिरात मुस्तकीम तक पहुँचाने की, तूने हमारी दुआ को कबूल किया, हम तेरी तारीफ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वो आज तक अपनी दुआ में बस दुआ ही करते चले आ रहे, ऐ परवरदिगार सिरात मुस्तकीम तक हमें पहुँचा दे, आमीन आमीन कहकर अब तक दुआ कबूल हुई या नहीं हुई वो पता नहीं चला, वो सिरात मुस्तकीम तक अब तक पहुँच नहीं पाए। बता तो देखी, ठीक है सिरात मुस्तकीम तक हम पहुंच गए, लेकिन असल में सिरात मुस्तकीम कौन है? तो परवरदिगार फरमाएगा कि क्या तुमने जो है इस इन अल्फाज पर अस्सिरात अल मुस्तकीम इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम इन अल्फाज पर गौर नहीं किया? हमने कहा परवरदिगार गौर तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आलम की निदा आएगी कि ज़रा इनके हरूफ पर गौर करना शुरू करो, इन हरूफ की तादाद क्या है उनके ऊपर गौर करना शुरू करो। अब हमने हरूफ को गिनना शुरू किया, अस्सिरात में क्या है? अलिफ लाम सौद रौ अलिफ तौ, कितने हुए हरूफ? 6 हरूफ बन गए अस्सिरात के। अब अल मुस्तकीम के हरूफ को गिनना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सीन ता या काफ या मीम, कितने बने? 8, यहाँ 8 वहाँ 6, 8 और 6 मिला के बने कितने?
14। बस परवरदिगार ने कहा अब भी तुम न समझे कि किसकी तरफ मैं तुम्हारी हिदायत फरमाना चाह रहा हूँ कि मैंने 14 मासूमीन तुम्हारे लिए उतार दिए, उनको अपना रहबर मान लो, कबूल कर लो, तुम सिराते मुस्तकीम पर आ जाओगे। सलावत भेज दे मुहम्मद। सिराते मुस्तकीम में देखने जाए और 14 मासूमीन के उनसे जो है तशबीह देने जाए तो बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी जो हमें बता देंगी कि ये 14 की तादाद है जो सिराते मुस्तकीम हैं। खुदा बंदे आलम ने इन्हें सिराते मुस्तकीम बनाकर भेजा, साथ में हमारी इबादतों को सिराते मुस्तकीम करार दिया और साथ में हमारे अखलाक को भी सिराते मुस्तकीम करार दिया। इसलिए कि दीन के तीन पहलू हुआ करते हैं, दो खुदा बंदे आलम ने हमें बताया, एक उसूल दीन, एक फुरूए दीन, लेकिन इसका एक तीसरा जुज है वो है अखलाक। उसूल दीन एक दरख्त की मानंद है, दरख्त की जो जड़ें होती हैं वो उसूल दीन कहलाती हैं, जो हमारे दीन की इमारत है। अगर दरख्त की मिसाल दी जाए तो वहाँ पर जड़ें जो होती हैं वो उसूल दीन हैं, असल दरख्त की उसकी जड़ें होती हैं जो बुनियाद बनाती है, जो बुनियाद को स्ट्रॉन्ग और कवी बनाती हैं। और फुरूए दीन, फर का मतलब होता है ब्रांचेस, शाखें, तो ये जो फुरूए दीन है जो अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब करार दिए ये इसकी शाखें हैं। पर अल्लाह ताला ने इसका एक और जुज है जो रखा है वो है अखलाक। और अखलाक अगर आप उसकी बुनियाद देखने जाएं कि किस उसका रीशा क्या है तो वो खालाम खलक यानी कि क्रिएशन, पैदावार से। तो एक दरख्त की पैदावार क्या हुआ करती है, उसके फल हुआ करते हैं। अगर एक दरख्त के मीठे फल होते हैं वो दरख्त मशहूर हो जाता है, अगर उसमें कड़वे फल निकल आए चाहे वो दरख्त कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन हर एक कहेगा लेकिन इसका फल तो कड़वा है। बस उसी तरह अखलाक हमारी पैदावार है। अल्लाह ने उसूल दीन और फुरूए दीन हमें दे दिया, वाजिब करार दे दिया, लेकिन अखलाक हमारी पैदावार है। अगर अखलाक अच्छा होगा तो इंसान के जो अगर जो है अमल में भी कम होगा, प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, तब भी जो है वो अच्छा इंसान अपने किरदार और अखलाक की बिना पर मशहूर हो जाएगा। लेकिन कितने ही आमाल ना अंजाम देता हो, शब में रात में उठ उठ कर शब की नमाज जो है वो पढ़ता हो, पूरे दिन में जो है नाफिला की सारी नमाजें पढ़ लेता हो, लेकिन अगर उस बद अखलाक होगा, रूडनेस होगा कैरेक्टर में, रूड होगा इंसान, सख्त दिल होगा, तो फिर ये एक बुराई उसकी जो है उसके सारे आमाल को बर्बाद कर देती है, उसके ऊपर छा जाती है, बर्बाद कर देती है। रसूल से बेहतर अखलाक दिखाने वाला कौन? अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप ए मेरे हबीब बेहतरीन अखलाक के हामिल हैं, आप बेहतरीन अखलाक के मर्तबे पर फायज हैं। और रसूल ने फरमाया भी यही, वॉइस तो ले उतिमा मकारिम अखलाक, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ ताकि अखलाक को जो है सबसे बेहतर बना सकूँ, बेहतरीन अखलाक को राइज कर सकूँ। एक मरतबा नबी करीम मस्जिद में मस्जिद में हैं और तमाम अस्हाब भी जमा हैं और वो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में वहाँ पर एक शख्स आता है, एक शख्स आया, गरीब है, उसके पुराने कपड़े, पुराने लिबास पहना हुआ है, कुछ पेबंद भी लगे हुए हैं लिबास के ऊपर। आया, चाहता है कि रसूल के करीब उनकी बारगाह में जाकर बैठ जाऊं, लेकिन देख रहा है कि इतनी जगह अभी नहीं है, ऑलरेडी असहाब वहां बैठे हुए हैं। देखता है कि एक अमीर के करीब में जो है जगह खाली है, जाता है, बैठता है। जैसे ही बैठता है वो अमीर क्या करता है, अपने लिबास समेटना शुरू कर देता है और फिर उसकी तरफ बिगड़े हुए चेहरे से उसकी तरफ रुख करता है, तवज्जो करता है, अपना चेहरा बिगाड़ता है उसे देखकर। रसूल वहाँ मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, मर्तबा रुक जाते हैं, क्या हो रहा है? रसूल फरमाते हैं क्या हो रहा है आखिर? वो अमीर कहता है कि ये आया था, मैं इसे जगह देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने अपने लिबास समेट लिए क्योंकि मैं इसके लिए ज़्यादा जगह देना चाह रहा था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अच्छा ये बात है, तूने अपना चेहरा क्यों बिगाड़ा, चेहरा क्यों बिगाड़ा? अमीर था लेकिन दिल में रसूल की मोहब्बत थी, रसूल के बताए हुए अहकामात पर इत्तबा करता था। हम भी कई गुनाह करते हैं लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हम रसूल के फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके पैरोकार नहीं हैं, हम भी कई गुनाह करते हैं। उसने फौरन से एहसास हुआ, शर्मिंदगी का एहसास हुआ, उसने कहा या रसूलुल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, रसूलुल्लाह ने फरमाया
कि इतनी बड़ी गलती तुझसे हो गई। वो कहता है रसूलल्लाह मैं बहुत पशेमान हूँ, आप भी माफ़ कर दें और अपने परवरदिगार से भी कहें वो भी मुझे माफ़ कर दें और इस शख्स से भी मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए, मैं इससे भी जो है शर्मिंदा हूँ, मैं पशेमान हूँ, इससे भी माफ़ी दिलवा दीजिए। रसूल फरमाते हैं उस गरीब को देख कर कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हुआ। वो कहता है या रसूलल्लाह मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची है, इसने भरी महफिल में जो है मेरी बेइज्जती की है और मुझसे जो है चेहरा बिगाड़ कर इसने मुझे देखा है, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, कहता मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। रसूलल्लाह फरमाते हैं कि इसे माफ़ कर दे, खुदावंद आलम के वास्ते इसे माफ़ कर दे। और वो भी जो है इसरार करने लगता है या रसूलल्लाह इसे कहिए कि मुझे माफ़ कर दे, अगर माफ़ नहीं करेगा तो मैं दोजख का ईंधन बन जाऊँगा। या रसूलल्लाह इसे कहिए मुझे माफ़ कर दे, इसरार करता है, वो नहीं मानता। एक मरतबा वो जो दौलतमंद है वो कहता है या रसूलल्लाह इसे कहिए कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी आधी दौलत इसे देने को तैयार हूँ। जैसे ही ये सुनता है तो ये कहता है या रसूलल्लाह मैंने इसे माफ़ किया लेकिन मुझे इसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे इसकी दौलत नहीं चाहिए। रसूल फरमाते हैं ये तुझे आधी दौलत दे रहा है, तुम्हें अभी अब तक तो माफ़ नहीं किया था, जब उसने कहा कि आधी दौलत देना चाहता हूँ तो तुमने फ़ौरन से इसे माफ़ कर दिया, तो फिर आखिर क्या बात है इसकी दौलत क्यों नहीं कबूल करना चाहते। ये शख्स कहता है या रसूलल्लाह इसलिए कि कहीं ये दौलत हासिल करके मैं भी किसी गरीब के साथ आइंदा के इस तरह का सलूक ना करने लगूं। एक सलावत भेजते हैं हमारे पास रसूल ने, किसने सिखाया ये अखलाक, रसूलल्लाह ने सिखाया, रसूलल्लाह ने बताया। हर दौलतमंद इस तरह का नहीं होता है, हर जो गनी होते हैं जो मालदार होते हैं इस तरह के नहीं है, बहुत सारे बहुत खुलूस वाले होते हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन कुछ जैसे खुद खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है किसी को हमने इतनी दौलत का कि उन्होंने घमंड और गुरूर करना शुरू कर दिया, हमारे इबादत से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, तो इस तरह के कुछ लोग हुआ करते हैं। अब खुदावंद आलम जो है वो फरमाता है कि तुम जो है गरीब को कभी दुत्कारो नहीं। इसी पर एक सूरा भी नाजिल हो गया, सूरह अबसा, सूरह अबसा जो नाजिल हुआ है, एक नाबीना आया था और वो इसी तरह एक अमीर के करीब आके बैठ गया था, उसने जो है अपने तेवर चढ़ाए, उसको जो है मुँह टेढ़ा किया उसकी तरफ, बस खुदावंद आलम ने सूरह अबसा की आयतें नाजिल फरमा दी। तुम क्या समझते हो कि ये जो है अगर गरीब है तो तुम क्या समझते हो कि अल्लाह के नज़दीक क्या इसके आमाल काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये तो तुमसे ज़्यादा खुलूस रखने वाला है, नाबीना है गरीब है लेकिन तुमसे ज़्यादा खुलूस रखने वाला है और खुदावंद आलम का चहेता है। और ये वो शख्स थे जिसका नाम था उस्मान इब्ने मज़ऊन, ये रसूलल्लाह के भी सहाबी थे, ये मौलाए कायनात के भी सहाबी रहे उस्मान इब्ने मज़ऊन, और इनकी कब्र जो है सबसे पहले इनकी कब्र बनी जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बकी में इनकी कब्र सबसे पहले। देखिए नामों से जो है धोखा ना खाइएगा कभी, बहुत सारे मासूमीन के सहाबियों के नाम यजीद हुआ करते थे, मुआविया हुआ करते थे, तो नामों से धोखा ना खाइएगा, नामों से दुश्मनी ना करिएगा, लेकिन अगर दुश्मनी करना है तो उस बुराई से कीजिए, उस किरदार से कीजिए जो वो दिखाते हैं। अब जो है इस एक सलावत भेजते हैं बाबा से, इसी तरह से मौलाए कायनात के पास एक शख्स आता है और वो कहने लगता है कि या अमीरुल मोमिनीन मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये लोग जो है आपका हक गस्ब करके बैठ गए हैं, आपकी कुर्सी पर बैठ गए हैं, और अफसोस लेकिन इस बात का होता है कि इनकी खिलाफत में भी आप बारहा इनकी मदद करते रहते हैं, इनको जब देखो मदद की ज़रूरत पड़ जाती है आपको बुला लेते हैं, आप चले जाते हैं इनकी मदद करने के लिए, एक दिन में 70 मरतबा ये मसाइल में फंसते हैं, 70 मरतबा आप इनकी जाके जो है मदद को चले जाते हैं। या अमीरुल मोमिनीन क्यों इनकी मदद करते, छोड़ दीजिए इनकी मदद करना, जब ऐसे मसले जो है इनके ऊपर एक इसका हुजूम आ जाएगा इन मसाइल का और ये इन मसलों को हल ना करेंगे, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा, अपने आप कुर्सी छोड़ देंगे, लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये इस काबिल नहीं है, कुर्सी के काबिल नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ऐ शख्स तुम्हें इतना बुरा लगता है मेरी इनकी मदद करना, वो कहता है कि हाँ अमीरुल मोमिनीन बहुत बुरा लगता है, बहुत अफसोस होता है। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हज़रत मूसा ने खुदावंद आलम से दुआ की थी, हज़रत मूसा ने भी इसी तरह से खुदावंद आलम से दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, तूने फिरौन को रिस्क अता किया, तूने फिरौन को मालो दौलत अता की, तूने फिरौन को हुकूमत अता फरमाई, ये बादशाहत अता फरमाई,
तेरे रिस्क अदा करने पर वो इतना मगरूर हो गया है, वो इतना घमंड करता है कि अपने आप को तेरी जगह पर उसने बिठाना चाहा है, अपने आप को खुदा कहलवाता है, जो खुदा नहीं कहता उसे अजियत पहुंचाता है। ए मेरे माबूद, तू अपना रिस्क किसके ऊपर बंद कर दे? तू बंद कर देगा रिस्क देना, आप ही इसकी बादशाहत भी नीस तो नाबूद हो जाएगी और इसका ये गुरूर भी जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। कहाँ का खुदा ये रह जाएगा जो अपने आप को खुदा कहलवाता है? खुदावंद आलम की हजरत मूसा को निदाई, खुदावंद आलम का जवाब आया। खुदावंद आलम जवाब में क्या फरमाता है? ए मूसा, अगर ये मेरी बंदगी करना भूल गया है, ये मगरूर हो गया है, तो मैं खुदा बनना नहीं भूला हूँ। मैं खुदा हूँ, मैं हर एक को रिस्क अदा करता हूँ, मैं हर एक का खुदा हूँ, बस मैं खुदाई करता हूँ। ये शख्स कहता है, या मेरे मोमिन, आप क्या समझाना चाहते हैं? वो तो खुदा और जो खुदाई का दावा कर रहा था उसके बीच की बात थी, लेकिन आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? तो इमाम फरमाते हैं कि ऐ शख्स, जान ले कि रोज़े गदीर रसूलल्लाह ने मुझे गदीर के मैदान में मेरे बाजुओं को उठाकर 100,000 के मजमे में मुझे उनका मौला, उनका मालिक करार दिया। अगर ये मेरी गुलामी करना भूल गए, मैं इनका मालिक बनना नहीं भूला हूँ। सलावात भेजते हैं। किया करते थे उसे गजवा कहा जाता है। रसूल जिस जंग में नहीं शिरकत करते थे उसे सरिया कहा जाता है, माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है रसूल इस जंग में शिरकत कर रहे हैं और कई दिनों से ये जंग चल रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक रोज़ रसूलल्लाह जो है कुछ देर की जब मोहलत मिली तो जंग के मैदान से अपने असहाब से दूर एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। एक काफिर ने देखा कि रसूल तन्हा दरख्त के साए में बैठे हैं, कहा अच्छा मौका है, यहाँ पर ही जाकर इनका काम तमाम कर दूँ नऊज़ु बिल्लाह। ये शख्स जाता है तलवार लहराते हुए रसूल के सामने खड़ा होता है और रसूल से कहने लगता है कि ऐ मोहम्मद, आज आपको मेरी तलवार से कौन बचाएगा? आज आपको मैं जो है आपकी गर्दन उड़ाने के लिए आया हूँ, आपका सर उड़ाने के लिए आया हूँ, सर कलब करने के लिए आया, आज आपको कौन बचाएगा? रसूलल्लाह फरमाते हैं, वही बचाएगा जो आज तक बचाता आया है, वही महफूज रखेगा जो आज तक महफूज रखता आया है। एक मर्तबा ये कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तलवार लेता है, आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला वहाँ से जिब्राइल को नाजिल करते हैं, जिब्राइल उसके रास्ते में एक पत्थर ला देते हैं, जैसे पत्थर सामने आता है ये लड़खड़ाता है, इससे चोट लगती है, गिरता है, तलवार हाथ से छूटती है, तलवार का हाथ से छूटना था, रसूल इस तलवार को उठा लेते हैं, उसके सामने जो है खड़े हो जाते हैं, वो नीचे पड़ा हुआ है, रसूल सामने खड़े हुए, रसूल फरमाते हैं, ऐ शख्स आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा, आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा? एक मरतबा ये कहने लगता है, या रसूलल्लाह, आज आपका करम और आपका रहम मुझे बचाएगा, आपका करम और आपका रहम मुझे बचाएगा। या रसूल उसकी तलवार उसे वापस उसके हवाले करते हैं, कहते हैं जा, मेरे करम ने और मेरे रहम ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुझे छोड़ दूँ। चला जाता है अपनी कौम के पास जाता है, वो सारा मंजर देख रहे होते हैं, वो कहते हैं आज तक तेरे हाथ से तलवार न छूटी, आज अचानक तेरे हाथ से तलवार कैसे छूट गई? वो कहता है मुझे पता नहीं कि तलवार कैसे छूट गई, लेकिन इस वक्त मैं जिस शख्स से मुलाकात करके आ रहा हूँ वो यकीनन खुदावंद आलम का भेजा हुआ नुमाइंदा है, इस वक्त इस कायनात में बेहतरीन अल्लाह की मखलूक है। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मेरे साथ चलो और रसूल के हाथों पर दीन इस्लाम ले आओ, रसूल के हाथों पर दीन को कबूल कर दो। कौम में से कुछ लोग राज़ी होते हैं, कुछ नहीं राज़ी होते, ये जाता है रसूलल्लाह के हाथों पर, मुसलमान बन जाता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, गांव से बुलंद सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम रसूल से सवाल करेंगे, या रसूलल्लाह, इससे पूछने की क्या जरूरत थी? सामने खड़ा था, हाथ में आपके तलवार की सर कलम कर देते, काफिर था,
खत्म कर देते, आखिर आपका कत्ल करने के लिए आया था, अल्लाह के नुमाइंदे का कत्ल, अल्लाह की हुज्जत का कत्ल करने के लिए आया था, आप कत्ल कर देते, तो शायद रसूल पलट कर हमें ये जवाब दे कि तलवार से सर को काट देना, सर को कलम कर देना आसान है, लेकिन अपने किरदार से, अपने अखलाक से बुराई को काट देना और मिटा देना ये बड़ा मुश्किल है। एक सलावत भेजते हैं अल्लाह ताला ने रसूल पर, जब कुरान पहली मर्तबा यानी ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया में जो नाजिल किया, यानी जब उन्हें नबुव्वत मिली है, कितने साल में मिली? 40 साल की उम्र में। 40 साल में पहली मर्तबा सूरह अलक की आयत मुबारका रसूलुल्लाह पर ग़ारे हिरा में जिब्राइल लेकर आए, नाजिल हुई। हम सवाल करें कि रसूल तो बचपने से ही उस किरदार के हामिल थे, बचपने से उन्होंने जो है वो बेहतरीन किरदार दिखाया है कि लोग उनकी रसालत के पहले ही उन्हें अमीन और सादिक कहा करते थे, अपनी तमाम चीज़ें उनके हवाले करके जाया करते थे, उन्हें उसी शक्ल में वापस किया करते थे रसूल, तो पहले ही मशहूर हो चुके थे। या ए परवरदिगार, तू चाहता तो इन्हें 15 साल की उम्र में देते, या 20 साल की उम्र में जब इंसान जवानी के आलम में आ जाता है उस वक्त जो इन्हें रसालत दे देता, नबूवत दे देता, उस वक्त कुरान उतार देता इनके ऊपर, इतने 40 साल इंतज़ार करवाने की क्या ज़रूरत थी? 40 साल के बाद 23 साल का एक दौर रहा जब कुरान नाजिल होता रहा, तो पहले से कुरान उतार देता, ज़्यादा देर जो है कुरान के नज़ूल का दौर चलता रहता। तो खुदा वंदे आलम की शायद शायद हमें ये जवाब आए कि मैं पहले चाहता था कि मेरा हबीब कुरान बन के दिखा दे, उसके बाद लोगों को पढ़ा कर सुनाए, उसके बाद लोगों को कुरान की तबलीग करना शुरू करे। खुदा वंदे आलम पहले मिसालें भेजता है, उसके बाद लोगों से करवाता है। इसीलिए खुदा वंदे आलम सूरह सफ में भी हमें ये मुखातिब करके फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। पहले प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद प्रीच करो, पहले खुद नमूने अमल बनो, उसके बाद लोगों को प्रीच करना शुरू करो। एक आवाज़ से बुलंद सलावत भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल पर। लोग कहते हैं कि आज कुछ रसूल की बातें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाए कायनात की और दीगर आइम्मा मासूमीन की तो करते ही रहते हैं, लेकिन रसूल की बातें कुछ, कि लोग जो हैं रसूल अल्लाह के लिए फरमाया करते हैं, रसूल अल्लाह के लिए कहा करते हैं कि रसूल के जिस्म में ताकत नहीं थी, इसलिए कि हमें कभी ये ना मिला कि रसूल ने किसी का कत्ल किया हो, रसूल ने किसी को अपनी तलवार से ज़ख्मी किया हो। रसूल जाते ज़रूर थे जंगों में और दिफा करते थे अपनी फ़ौज का, और इस तरह से जो है वहाँ पर जंग भी किया करते थे, लेकिन कोई एक तारीख हमें नहीं मिलती जहाँ रसूल की वजह से, रसूल की तलवार से किसी को कोई ज़ख्म आया हो। किस लिए? क्योंकि अल्लाह ने रसूल को रहमत बना कर भेजा, रसूल को रहमत बना। लेकिन लोगों ने इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कि रसूल ने जो है कहीं किसी तलवार से किसी का कत्ल नहीं किया, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए क्या कहना शुरू किया कि रसूलुल्लाह के जिस्म में ताकत नहीं थी कि वो इस तरह से वार कर सकते कि किसी का कत्ल कर सकते। रसूल के जिस्म में ताकत नहीं थी ये लोगों का कहना है, लेकिन रसूलुल्लाह के जिस्म में कितनी ताकत थी ये हमें इससे अंदाज़ा होता है कि जो दरे खैबर में जाए और दरे खैबर को अपने हाथों पर उठा ले, दरे खैबर को उखाड़ ले, उसे अली कहते हैं, और जो अली को अपने हाथों पर उठा ले उसे नबी कहते हैं। सलावत भेजिए मसायल। रोज़े क़यामत क़ुरान करीम शिकायत करेगा, क़ुरान शिकायत करेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, और ख़ुद रसूल भी जो है क़ुरान के सिलसिले में, अपनी उम्मत के सिलसिले में आकर शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करेंगे? क़ाल रसूल इन्ना क़ौम तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा,
कि ऐ परवरदिगार ये मेरी उम्मत थी जिसने कुरान को तर्क कर दिया, जिसने कुरान को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, इसे इसके साथ न रहे। मैं इनके लिए कुरान लेकर आया, तूने कुरान नाजिल फरमाई, वो किताब जो कि ता कयामत बाकी रहने वाली है, जो हिदायत देने वाली किताब है, और मेरी उम्मत ने, मेरी उम्मत यानी कि मुसलमानों ने इस कुरान को तर्क कर दिया। अब जरा मेरे साथ चलिए, हर मुसलमान के घर में जरा जाकर झांकिए, कुरान मिलेगा? हर मुसलमान के घर में कुरान मिल रहा है? सिर्फ कुरान ही नहीं मिल रहा, जो रसूल के इश्क का दम भरते हैं, जो रसूल के सच्चे कहते हैं कि हम सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले हैं, उनके यहाँ कुरान को हिफ्ज करने वाले मिलेंगे। एक एक जो है हाफिज जो है उनके यहाँ मिलेगा, उनके यहाँ हाफिज बहुत मिलते हैं। कहते हैं कि शियों के यहाँ हाफिज नहीं होते, तो हम उनसे पलट कर कहते हैं तुम्हारे यहाँ हाफिज होते, हमारे यहाँ मुहाफिज होते हैं, हमारे यहाँ मुहाफिज होते हैं। तो कुरान के हाफिज मिलेंगे, पूरा का पूरा कुरान रट लिया, पूरा का पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तजवीद के साथ, बेहतरीन तरतील के साथ कुरान को पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। तो ये जो रसूल शिकायत कर रहे हैं कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को तर्क कर दिया, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं रसूल, और क्यों इस तरह की शिकायत कर रहे हैं? रोज़े क़यामत जो है, तीन तरह के लोग आएंगे, तीन चीज़ें आएंगी, तीन अशिया आएंगी, और खुदावंद आलम की बारगाह में शिकायत करेंगी, एक कुरान, एक मस्जिद, और एक जो है आलिम। ये तीन जो है चीज़ें, तीन अशिया या तीन शख्सियतें इस तरह से आएंगी और शिकायत करेंगी। कुरान शिकायत करेगा कि मुझे तर्क कर दिया गया, मुझे मतरूक कर दिया गया। मस्जिद शिकायत करेगी कि लोग आते ही नहीं थे, मस्जिद बनाई गई कि लोग यहाँ पर आकर नमाजें बजा लाएं। इसीलिए अगर आप फिक्ह में जाकर देखें तो मस्जिद में जाना जो है हम पर ज़रूरी है। अगर जो पास में मस्जिद है तो उसे आबाद रखें, नमाज वहाँ जाकर पढ़ें अगर पॉसिबल हो, और अगर कोई ख़ास उज्र ना हो तो उसमें जाकर नमाज पढ़ी जाए। हत्ता के रिवायतों में ये बताया गया है कि जो शख्स उसके पास में मस्जिद हो, मस्जिद में ना जाता हो, तो तुम उसके साथ अपनी बेटी का, उसके घर में अपनी बेटी का निकाह न करना। इतना ज़्यादा जो है एक शख्स के लिए जो मस्जिद ना जाता हो, इतनी ज़्यादा जो है हर एक को ताकीद की गई है। और तीसरा, आलिम जो कहेगा कि मैं अपनी कौम के दरमियान मौजूद था लेकिन मुझसे इल्म लेने वाला कोई ना था, मैं उनको बुलाता था लेकिन वो जो है मेरे दर को छोड़ के अपने अपने घरों में जहालत पर इक्तफा कर लिया करते। तो तीन तरह के लोग शिकायत करेंगे, कुरान शिकायत करेगा। अब हम चल रहे हैं, हर एक घर में झांक रहे हैं, तारीख में पीछे पीछे हम चले जा रहे हैं, कितने अरसे पहले जो हम चले गए, हर एक घर में हमें कुरान नज़र आ रहा है, हर एक घर में हमें पढ़ने वाले भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पीछे चलते चलते हम पहुँच गए कहाँ? गदीर के मैदान में। आयत पर गौर कीजिए, आयत में रसूल अल्लाह के जुमले जो अल्लाह ने नकल किए हैं क्या होंगे रोज़े क़यामत? इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इस कुरान को तर्क कर दिया, हाज़ा इस कुरान को तर्क कर दिया। हम जो है हर एक मुसलमान के घर में झांकते झांकते देखते देखते कहाँ पहुँच गए? गदीर के मैदान में। जब गदीर के मैदान में पहुंचे तो एक मर्तबा हमें रसूल वहां पर मिंबर पर नजर आए, और रसूल जब मिंबर पर नजर आए तो एक मर्तबा हमने देखा कि रसूल जो है अली को उठाए हुए हैं और फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला फहाजा अली उन मौला। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी नस्ल से जितने मासूमीन हैं हर एक का एक बोलता हुआ कुरान है, अली कुरान है, फातिमा कुरान है, हसन हुसैन कुरान है, महदी कुरान है, बस अल्लाह ने जिसकी तरफ इशारा, हाज़र कुरान, वो कोई और कुरान नहीं, वो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब है। मेरे कर दिया, अली को छोड़ के चले गए, अहले बैत के दर को छोड़ के चले गए, उन्हें तन्हा कर दिया। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर कोई ख़ानदान हमें अखलाक के लिए मिला, चाहे जिस अच्छाई को देखना चाहें, ये अहले बैत का ख़ानदान मिलता है। अली का एक बेटा हसन मुश्तबा,
और कितने बेहतरीन अखलाक। जब भी हम अखलाक की बात करते हैं तो ज़्यादातर इमाम हसन मुज्तबा की बात की जाती है। करीम में अहले बैत कहलाए, बहुत ज़्यादा करम किया, इतना करम किया आपने दुश्मनों पर करम किया करते थे। एक मरतबा एक शामी आया, मशहूर वाक़या है, एक शामी आया और इमाम हसन को बुरा भला कहने लगा, उनके ऊपर मौलाए कायनात को बुरा भला कहने लगा, सबको शत्म करने लगा। जैसा कि रायज हो चुका था, शाम वाले ने अल्लाह उसके ऊपर लानत करे, उसने रायज करवा दिया था कि मिंबरों से तुम मौलाए कायनात पर, अली इब्ने अबी तालिब पर लानत करना, जब तक लानत ना करोगे तब तक तुम्हें इमाम जुमा नहीं बनाऊंगा। इमाम जुमा बनाने की शर्त रखी थी, तुम लानत करोगे, गाली गलौज करोगे, बुरा भला कहोगे अली के बारे में, तब जाकर तुम्हें इमाम जुमा बनने की इजाज़त दूंगा। ये वही शाम वाले की बातों में आकर जो है, एक मरतबा जब कूफा वारिद हुआ, मदीना आया, मदीना आने के बाद इमाम हसन को इसी तरह से जो है गालियां देने लगा, मौलाए कायनात को बुरा भला कहता रहा। मौला सुनते रहे। एक मरतबा जब ये कहते कहते थक गया, मौला ने कहा कि कुछ और भी तुझे कहना है? वो कहता है कि नहीं, बस यही आपके लिए काफ़ी है। इमाम फरमाते हैं कि तू मुझे परदेसी नज़र आता है, तू इस वतन का नहीं है, तू कहीं और का नज़र आता है। अगर तू परदेसी है और अपने घर वापस जाना चाहता है और तेरे पास सामान सफ़र नहीं है, तो आ, मैं तेरे लिए सामान सफ़र का इंतज़ाम कर दूँ। फिर उसके बाद कहता है कि शायद तू भूखा और प्यासा है, अगर तू भूखा और प्यासा है तो आ, मैं तुझे अपने घर पर अपने दस्तरखान पर बिठाऊंगा और अपने दस्तरखान से तुझे खुद जो है तेरी मेहमान नवाजी करूंगा। फिर इमाम फरमाते हैं कि शायद तेरे पास जो है और लिबास नहीं है जो तू ज़ेबतन कर सके, अगर तुझे लिबास चाहिए तो मैं तेरे लिए लिबास भी मुहैया करवा दूंगा। अगर तुझे किसी और चीज़ की मदद चाहिए तो मैं तुझे उस चीज़ से तेरी मदद कर दूंगा। मरतबा इमाम जो है उसे ये कहते चले जाते हैं और वो हैरत से इमाम को देखता रहता है। अभी मैं इनके बाबा को अज़ान मोहतरम, ज़रा सोचिए कि हमारे इमाम, हमारे अइमा कितने मज़लूम हैं, जो तमाम कायनात का बेहतरीन फ़र्द हो, जो अल्लाह की हुज्जत हो, उसके सामने उसके बाप को जो उससे बेहतर ऐसे गाली गलौज किया जाता था, कायनात में बदनाम किया जाता था, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है अगर हमें कुछ कह दिया जाए। हमारे माँ बाप की बात तो दूर की बात है, हमारे माँ बाप को अगर कहे तो हम पर पता नहीं क्या बीत जाए, लेकिन हमको कुछ कहा जाता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और पलट कर जो है फौरन बदला लेने लगते हैं। लेकिन ये अइमा मासूमीन कितने मज़लूम थे कि यहाँ पर इमाम हसन अपने वालिद बुजुर्गवार के बारे में सुन रहे हैं और इतना सब कुछ सुन कर भी खामोश, सिर्फ खामोश नहीं है बल्कि वो खामोशी इख्तियार करने के बाद उसे पलट कर क्या जवाब दे रहे हैं? अगर तू भूखा है तो मैं तुझे खाना खिला दूंगा, प्यासा है तो मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा, अगर तुझे घर चाहिए, यहाँ पर तू कुछ दिन मुकीम रहना चाहता है तो मैं तेरे लिए घर मुहैया कर दूंगा, मदद चाहिए तो मैं तुझे मदद फराहम कर दूंगा। बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया है अहले बैत अलैहिस्सलाम। उसके बाद वो हैरत से देख रहा है और कहने लगता है कि क्या अली इब्ने अबी तालिब आपके बाप नहीं है? इमाम हसन फरमाते हैं कि हाँ मेरे ही बापा है, लेकिन तू मेरे वालिद को नहीं जानता, तूने उसकी बातें सुनी हैं जो तेरे शाम के बादशाह ने तुझे सुनाई है और वो चाहता था, उसने तेरे कानों में जहर भरा है, तुम्हारे जहनों को जो है जहर आलूदा कर दिया है, उसने तुम्हें जो है झूठ जो है वो तुम्हारे जहनों में बसा दिया है, तुम्हें खिलाया है। वो कहता है कि क्या आपके बाबा आप जैसे थे? देख रहा है ना किरदार, क्या आपके बाबा आप जैसे थे? इमाम हसन फरमाते मेरे बाबा सब मेरे जैसे नहीं, मुझसे कहीं बेहतर थे मेरे बाबा। एक मरतबा इमाम हसन के कदमों पे गिरता है, कदमों का बोझा लेना शुरू करता है, कहता है मुझे माफ़ कीजिए, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं बहुत पशेमान हूँ, मैं आपको जानता ना था, मैंने बस आपके बाबा के बारे में सुना था, मैं उनको जानता ना था, लेकिन आज मैं समझ गया कि आपके बाबा कैसे रहे होंगे, आप मुझे माफ़ कर दें। इमाम फरमाते कि मैंने तुझे माफ़ किया और मेरे बाबा ने भी तुझे माफ़ किया और अल्लाह ने भी तुझे माफ़ किया, लेकिन ऐ शख्स एक शर्त है, एक शर्त है। मौला क्या शर्त है? आपकी हर शर्त मंजूर है। मौला फरमाते हैं कि ऐ शख्स जब तू अपने वतन व
یاران محترم یہ وہ مظلوم گھرانہ ہے جس کے اخلاق کی بلندی اس معیار پر تھی کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یہ وہ مظلوم امام حسن ہے جس کے جنازے میں تیر مارے گئے. کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ وہ مظلوم امام حسن جس کے جنازے میں تیر مارے گئے, جس کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جو ہے تشت میں نکلتے تھے. گنے گئے تو کتنے ٹکڑے, کتنے کلیجے کے ٹکڑے, 72 ٹکڑے. کیا کرنا تھا اللہ, کیسی کیسی مثال پیش کی, یہ 72 ٹکڑوں کا تشت میں گرنا, وہاں 72 کا امام حسین کے ساتھ شہید ہونا, امام حسین کا ساتھ دینا. عزاداران محترم, آج اسی امام حسن کے یتیم کا ہمیں بیوی کو پرسا پیش کر رہے. امام حسن کون ہے جن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرتے تھے, جس کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گرے اسے امیر حسن کہا جاتا ہے, اور جس کا لاشا پامال, لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا کربلا کی ریت پر, جلتی ریت پر پڑا رہے, اسے غریب حسین کہا جاتا ہے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے اس وقت حضرت قاسم کی عمر 3.5 سال کی تھی, 3.5 سال کی عمر تھی. جو حسن 3.5 سال کا بیٹا چھوڑ جائے اسے امیر کہا جاتا ہے, اور جو حسین 3.5 سال کی سکینہ چھوڑ جائے اسے غریب کہا جاتا ہے. جس حسن کے 3.5 سال کے یتیم کو کبھی عباس اٹھا لے, کبھی اکبر اٹھا لے, کبھی کوئی اور, کبھی حسین اپنی گود میں لے لے اور اس کے بوسے لینا شروع کر دے, وہ امیر حسن کہلاتا ہے. اور جس کی 3.5 سال کی بچی کو کبھی شمر تماشے مارے, کبھی پشت تازیانوں سے لال کرے, کبھی خونی ستائے, کبھی سنان ستائے, اسے غریب حسین کہا جاتا ہے. جس کے لاشے میں تیر مارے جائے ہو امیر, اور اس کا لاشا تیروں پر معلق ہو وہ غریب. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بی بی سیدہ اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ عنایت ہے. آج اسی کے یتیم کا ہمیں جناب زہرا کو پرسا دینا ہے, وقت کے امام کو پرسا دینا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی خاتون کے بازو میں آ کر وقت کا امام بیٹھا ہو. میں پرسا لینے کے لیے آ گیا, کسی کے بازو میں جناب فاطمہ. جب روز عاشور آئی, روز عاشور سے قبل جب شب عاشور, ایک مرتبہ امام حسین نے فہرست میں, شہداء کی فہرست میں سے ناموں کو گنانا شروع کیا تھا. ایک مرتبہ فہرست تمام ہو گئی, حضرت قاسم کا نام نہ آیا. بھتیجے نے بڑھ کر اپنے چچا سے سوال کیا, اے میرے چچا, کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں موجود؟ کیا کل میں شہید نہیں ہوگا؟ مرتبہ امام حسین خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد سوال کرتے ہیں, بیٹا یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ حضرت قاسم کہتے ہیں, موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یہ جملہ کہنا تھا امام حسین فرماتے, اے میرے لال, اس فہرست میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم کا دل تڑپ کیا, تڑپ گیا. کہتے ہیں, اے میرے چچا, کیا آدھا خیموں میں گھسائیں گے؟ امام نے نہ بتایا, آدھا خیموں میں تو گھسائیں گے, لیکن میں قاسم نے خود اپنے ہاتھوں پر تمہارے بھائی کو لے کر جاؤں گا. جب روزے عاشور آئے, ام فروہ ساری را
मेराज कासिम को तैयार करते थे। रोजे आशूर आई, फरवा ने कहा जाओ कासिम अपने चचा से जाकर इजाजत। इमाम हुसैन इजाजत न देते थे। हजरत कासिम कभी अली अकबर से आके निपट जाते, कभी अब्बास से आके निपट जाते और कहने लगते, अरे जब मेरे चचा अब्बास मेरे फुरात पर गए और उसके बाद जो है उनकी शहादत हुई तो मेरे चचा हुसैन की कमर टूट गई। मेरे भैया अली अकबर जब गए और शहीद हुए, सीने में बर्ची का फल टूटा। अकबर ने आवाज लगाई, मेरे चचा की बिनाई चली गई, लेकिन मैं तो यतीम हूँ, मैं तो हसन का यतीम हूँ। अरे मेरे जाने से मेरे चचा को कोई फर्क पड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने ये आवाज सुनी, दौड़कर कासिम को गले लगा लिया। अरे कासिम, तुम अकबर से ज्यादा मुझे प्यारे हो। कासिम कभी चचा अब्बास के पास आते, कभी भैया अकबर के पास आते हैं, मुझे इजाजत दिलवा दीजिए। इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, अरे तुम अपनी माँ का सहारा हो। कासिम कहते, उसी माँ ने तो मुझे तैयार करके भेजा। एक मर्तबा जब इसरार बढ़ता है, इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। हजरत कासिम को अपने बाप की वसीयत याद आती है, वो तहरीर याद आती है जो कासिम को उम्मे फरवा के हवाले करते हुए भाई हसन ने कहा था, ए फरवा, जब मेरे भाई हुसैन पर मुश्किल का वक्त आए तो इस खत को खोल कर मेरे भाई हुसैन को दे देना, उन्हें पढ़ा देना। हजरत कासिम जो है उस तहरीर को लेकर आते हैं, अपने चचा के हवाले करते हैं। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, एक मर्तबा इमाम हसन का तीरों भरा लाशा याद आया। हजरत कासिम चचा के कदमों पे गिरे, कदमों का बोसा लेना शुरू किया। इमाम हुसैन ने गले से लगाया, तारीख कहती है चचा और भतीजे गले से गले लगकर इतना रोए, गश खा के दोनों जमीन पर गिर गए। मर्तबा कासिम को खड़ा किया, अपने अमामे को उतारा, अमामे को तीन टुकड़ों में बांटा, एक हिस्सा कासिम के सर पे अमामा बनाकर बांधा, एक हिस्सा कासिम के बदन पर लपेटा। अरे हर एक शहीद के पास जो है जिरा थी, कासिम के पास जिरा ना थी, बनाने वाले को मालूम ही नहीं था। रोजे आशूर इतने छोटे छोटे बच्चों का भी कुर्बानी दे दी। एक कपड़े
قاسم گلبدن آئے قاسم گلبدن آئے قاسم گلبدن سجی ہوئی ہے کربلا جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا مگر اب کسے کہہ کے پکاروں گا میں تصویر حسن الوداع جو میرا